Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 4, exercise 8.2, page number 187 of NCERT. State whether the following are true or false. Justify your answer. So first part is sine A plus B is equal to sine A plus sine B. So let's suppose अगर हम let कर लेते हैं angle A 30 degree है, angle B is 60 degree. So sin a plus b means sin 30 degree plus 60 degree, that means sin 90 degree, and sin 90 ka value hota hai 1. So sin a plus sin b, sin a means sin 30 degree, sin b means sin 60 degree. So sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2, ये बन गया 1 plus root 3 by 2. So 1 और 1 plus root 3 by 2 equal नहीं है. That means, is sin A plus B is not equal to sin A plus sin B. So this statement is false. Now, the value of sin theta increase as theta increase. क्या है? Sin theta का value बढ़ता जाता है. जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, जैसे तुम्हारा एंगल बढ़ता है, तुम्हारे एंगल स्टार्ट होते हैं 0, 30, 45, 60, 90. सो जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज कर रहा है, क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? सो साइन 0 डिग्री, 0 होता है वैल्यू. साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, मतलब कि 0.5. साइन 60 डिग्री मतलब कि रूट 3 बाय 2, रूट 3 हुआ, सॉरी दिस इज साइन 45, साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, दैट मीन्स 1 अपॉन 414. सो 1 अपॉन 414 करते हैं तो हमारे पास बनता है 0.707. साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, 1.732 upon 2, 0.866. Now sine 90 degree is 1. 0 से हमने start किया, then 0.5, then 0.707, 0.866, फिर 1. So value actually increase करता है, that means sine theta increase करता है, अगर उसका angle increase करता है. So the statement is true. Now, third part. The value of cos theta increase as theta increase. क्या cos theta में भी ये चीज होती है कि जैसे जैसे angle बढ़ रहा है उसका theta increase करेगा. So, cos 0 is 1. Cos 30 degree is root 3 by 2. That means 1.732. That means 0.866. Cos 45 degree is 1 by root 2. That means 1 upon 414, 0.707. Cos 60 degree is 1 by 2. That means 0.5. Cos 90 degree is 0. So, पहले 1 आया, फिर 1.7, फिर 0.866, फिर और कम हुआ 0.707, 0.5, फिर 0. सो बेसिकली कॉस का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ लेट्स डू अनदर पार्ट. सो दिस इज फोर्थ पार्ट. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. हमें ये चेक करना है कि साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यूज हमेशा इक्वल आती हैं. चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू, वेदर इट्स 0, 30, 45, क्या दोनों हमेशा इक्वल होंगे? सो फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2. तो यहां पे तो दोनों इक्वल है, बट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, साइन 30 इज 1 बाय 2, बट कॉस 30 इज रूट 3 बाय 2. यहां पे इक्वल नहीं है.
सो सब वैल्यूज पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं आते वैल्यूज. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. cot A is not defined for A equal to 0 degree. अगर cot का ये एंगल A ये 0 degree होता है तो cot की वैल्यू नॉट डिफाइंड है. cot A इक्वल होता है cos A by sin A के. अब A 0 है, that means cos 0 degree by sin 0 degree. cos 0 means 1 but sin 0 means 0. तो something upon 0, अगर 0 denominator में आता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड है. दैट वैल्यू इज इनफिनिट, डिफाइंड नहीं है. दैट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब थीटा जीरो होता है तो कॉट इज नॉट डिफाइंड. सो दिस वॉज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस. नीचे स्पेस के मैंने उसमें लिखी है एंड टू सब्सक्राइब अस. गुड बाय.